उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पहली लिस्ट फाइनल होने की अधिसूचना जारी होने से पहले ही यह लिस्ट आ जाएगी। सर्वे के बाद बीजेपी की लिस्ट फाइनल हो गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। लिस्ट में चुनौती वाले सीटों के नाम हैं, ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पहली लिस्ट जो है वो फाइनल हो गई है, ये बड़ी अपडेट है। चुनाव से पहले इंतजार था सबको कि पहली लिस्ट कब आएगी, पहली लिस्ट अब फाइनल हो गई है और वो जो है सर्वे के बाद ये लिस्ट फाइनल की गई है। लेकिन पहली लिस्ट में चुनौती वाले जितने सीट हैं उनके नाम हैं, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। अभिषेक, कौन कौन सी सीट होंगी जिसमें बहुत बड़ी चुनौती है, चुनौतियों वाली सीट? अभिषेक उपाध्याय, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो ये बताइए कि ये जो पहली लिस्ट अब फाइनल हो गई है, इसमें ये भी बताया जा रहा है कि चुनौती वाली जो सीट है उनके नाम है पहली लिस्ट में? तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अपडेट ये कि यूपी में बीजेपी की पहली लिस्ट फाइनल हो गई है। अधिसूचना जारी होने से पहले ही ये लिस्ट आएगी। सर्वे के बाद बीजेपी की ये लिस्ट फाइनल की गई है। लिस्ट में चुनौती वाली सीटों के नाम हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस खबर को विस्तार देने के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, वो चुनौती वाली सीटें कौन कौन सी होंगी? देखिए, ये वो सीटें हैं जो कि बीजेपी पिछले चुनाव में हारी थी। आपको ख्याल होगा कि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था, 10 सीटें जीती थी बीएसपी ने, 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। तो ये सीटें, इन पर बीजेपी खास तौर पर तैयारी कर रही है। 3 स्तरीय सर्वे हुए हैं, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, और एक जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने भी अपना सर्वे किया है और उसके आधार पर जो उम्मीदवार हैं वो तय कर लिए गए हैं। हमारी जानकारी कहती है कि सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका है और अधिसूचना लागू होने से पहले ही इसे जारी कर दिया जाएगा ताकि इन उम्मीदवारों को तैयारी करने का पर्याप्त मौका मिल सके। जी ठीक है, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले लिस्ट आ गई है, जो सीट चैलेंजिंग है उसके नाम पहले लिस्ट में रखे गए हैं काफी रिसर्च के बाद, क्योंकि बीजेपी काफी रिसर्च करती है, ग्राउंड पे काम करती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।